फिरोजाबाद इटावा बॉर्डर पर बुधवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 31 लोग घायल हैं, जिनका सैफई के मिनी पीजीआई में इलाज जारी है। 6 गंभीर रूप से घायलों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। बता दें कि हादसा तब हुआ जब दिल्ली से मोतिहारी जा रही डबल डेकर वॉल्वो पंचर होने की वजह से खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में ट्रक का पहिया बदल रहा ड्राइवर मौत के घाट उतर गया, वहीं बस ड्राइवर ओमकार आईसीयू में भर्ती है। मरने वालों में 14 में से 12 यात्रियों की पहचान कर ली गई है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बस का ड्राइवर नशे में था और काफी तेज गति से बस चला रहा था। बस में सवार यात्रियों ने इसकी शिकायत भी की। उधर मौके पर पहुंचे डीएम और एसएसपी का कहना है कि प्रथम दृष्टया बस ड्राइवर की गलती नजर आ रही है। एसएसपी सचेंद्र पटेल ने बताया कि मौके पर सुरक्षित बचे यात्रियों से बातचीत से पता चला है कि बस की गति तय सीमा से अधिक थी, जिस वजह से अचानक से सामने खड़े ट्रक को देखकर ड्राइवर नियंत्रण नहीं कर सका। घटना का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सड़क पर चारों तरफ खून और मलबा फैला पड़ा था। वो जाना चाहते हैं, यदि वो कैसे अपने घर जाएंगे तो वो घर भी भिजवा रहे हैं और उन लोगों की कोई भी दिक्कत का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।